नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। नगरीय निकाय चुनाव में आखिरी समय में दिग्गजों ने अपना दाव चला है और एक दूसरे के गढ़ में जाकर जमकर आवाज को बुलंद किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के गढ़ बीरगांव में अपने प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो और आमसभा की और प्रचार के दौरान ही मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि अगर बीरगांव में कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो मेयर ओबीसी जाति से ही होगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीर और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मुख्यमंत्री के गृह जिले रिशाली में प्रचार किया और जनता को संबोधित किया। नगरीय निकाय चुनाव में दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। 2023 के चुनाव से पहले निकाय चुनाव को लेकर परचम लहराने की बात कह रही हैं। तो आज प्रचार थमने के बाद नगरीय निकाय चुनाव में कौन किस पर भारी है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अपने सरकार के कार्यों के आधार पर ही मतदाता से वोट मांग रहे हैं। हमने जो सेवाएं की है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लोग जो लगातार, चाहे कोरोना काल हो चाहे अन्य समय में हो, जो लोगों की सेवाएं दी है, तो उसके आधार पे हम सब लोग वोट मांगे। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे महापौर बनाने जा रही है। जैसा जन समर्थन हमको मिल रहा है सभी वार्डों में, कांग्रेस की बड़ी हालत खस्ता है, क्योंकि 3 साल में कांग्रेस ने जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। जनता को इस बात का एहसास है, अपनी भूल सुधारने के लिए वो फिर से भारतीय जनता पार्टी का महापौर यहाँ बनाने जा रही है। सुना आपने क्या कुछ उनका कहना है। बीरगांव में कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेला है तो भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा भी रोड शोज और रैलियों के चलते जनता से कनेक्ट हुई और यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कमान भाजपा की तरफ से संभाली है। आपको बता दें कि तस्वीरें चुनाव प्रचार की आपको दिखा रहे हैं जो आज थम गया और अब 20 दिसंबर को 20 निकाय पर चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता का विचार क्या है, उनका मूड क्या है, वो 20 दिसंबर के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल प्रचार प्रसार के बाद तमाम पार्टियों का क्या कुछ कहना है, उनके खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से कितना महत्वपूर्ण इन चुनावों को वो मान रहे हैं, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले इसको सेमीफाइनल के सरकार के तौर पर देखा जा रहा है। तो 2023 विधानसभा चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन उससे पहले शहर की सरकार किसकी बनती है उसको लेकर जद्दोजहद लगातार जारी है। दोनों ही पार्टियों ने पूरा दमखम इसमें लगा दिया है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता के बीच में पहुंचे और प्रचार की कमान को उन्होंने संभाला। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र वर्मा जी, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा उमेश घोरमोड़े साहब बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सुरेंद्र वर्मा जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी। चुनाव प्रचार जो आज का दिन रहा बेहद महत्वपूर्ण रहा, ऐसे में एक दूसरे के घर में घुसकर सेंधमारी जो की गई है, कितना सफल होता हुआ पा रहे हैं अपने आप को? रंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुमलों की कलई खुल चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता 15 साल के कुशासन और वादा खिलाफी को भोगने के बाद 3 साल के सुशासन में कांग्रेस के काम को भी देखिए। निश्चित रूप से हम अपने किए गए वादों और उस पर हम कितना अमल कर पाए उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। शहरी जनता देखिए, प्रदूषण जो है रायपुर की पहचान बन चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में एशिया में सबसे दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में रायपुर की गिनती थी। वर्तमान में रंजना जी 67 पुरस्कार मिले हैं स्वच्छता को लेकर। रायपुर जो है सबसे स्वच्छ शहरों में 5
प्रमुख शहरों में शामिल है, जिस प्रकार से शहरी जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जो मध्यम वर्ग और गरीबों के आवास की समस्या थी, जो 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री रोकी गई थी, हमने तत्काल हुए छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री शुरू की, गाइडलाइन दरों में अनाप शनाप वृद्धि की गई थी, 30% की कटौती जो हमने करके अनवरत उसको जारी रखा, जो नई उद्योग नीति बनी है उसके तहत स्थानीय युवाओं को निजी उद्योगों में भी प्रमुखता से भर्ती किया जा रहा है, जिस प्रकार से शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रत्येक वार्ड में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किया गया है, 172 स्कूल संचालित है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधा आम आदमी तक पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में किया है, हमर क्लिनिक के माध्यम से न केवल डॉक्टरी परामर्श बल्कि निःशुल्क दवाइयों का वितरण दिया जा रहा है, मोहल्ला क्लिनिक, हाट बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समय में आउटसोर्सिंग करके स्थानीय युवाओं का हक मारा जाता था, नौकरियों में जिस प्रकार से बाहर के लोगों को लाके भर्ती की जाती थी, हमने NMD की भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ में शुरू करवाई, शिक्षा स्वास्थ्य उच्च शिक्षा वन और स्वास्थ्य में लगातार कोरोना काल में भी हमने देखा कि प्रत्येक जिलों में नियमित पदों पर भर्ती हुई है, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अपने वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार और कुशासन के कारण से इनके जो घोटाले उजागर हुए हैं, नान और धान के भ्रष्टाचार अगस्ता और पुनामा की कमीशन खोरी, नागरिक सहकारी बैंक से लेके चीट फंड, छत्तीसगढ़ सरकार रंजना जी देश की पहली सरकार है जो इनके समय में चीट फंड कंपनियों को बसाने का काम किया, जो सहभागी भाजपा के नेता रहे, जो छत्तीसगढ़ के 5,00,000 करोड़ से अधिक की राशि लूट में भारतीय जनता पार्टी के नेता सहभागी रहे, हमने उन चीट फंड के जो लूटे हुए जो हमारे जनता थे जिसके साथ धोखा हुआ था, हमने पैसा वापसी का काम, उनकी प्रॉपर्टियों को जब्त करके नीलाम करके पैसा वापसी का काम छत्तीसगढ़ में शुरू किया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस प्रकार से वादा खिलाफी किया जाता रहा और हमने आते ही जो टाइम बाउंड वादे थे उसके साथ साथ तमाम योजनाएं जो जनजाति विकास से लेकर लोगों के विकास और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ का जो लाभ है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनता को हो रहा है, जो जो हमने वादे किए थे उस दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, इनके द्वारा लगातार जो है जल जंगल जमीन के अधिकारों से वंचित किया जाता रहा, हमने जो लोहारी गुंडा में जमीन इनके द्वारा छीनी गई थी वो भी वापस किया, जो हमारी घोषणा पत्र में जो हमने वादा किया था 7 के स्थान पर 52 वनोपज हम खरीद रहे हैं, नरवा गरवा घुरवा बारी के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी गोठान बनाए गए हैं जिसके माध्यम से आम लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ये सब तो आपने चुनाव प्रचार के दौरान बोली दिया होगा, हम पीछे की तस्वीर समझने की फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि कितने तैयार हैं आप। गोरमोड़े साहब, 2023 के फाइनल से पहले निकाय चुनाव के सेमीफाइनल में जीत की तैयारी आपकी कैसी है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस को हरा देंगे? देखिए अंजना जी, आपका डिबेट जिस मोड़ से प्रारंभ हुआ, चुनाव प्रचार और चुनाव के रन में दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है, वहीं से आपका डिबेट प्रारंभ हुआ, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी डॉक्टर रमन सिंह के पीछे पीछे चल रहे हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी के पीछे पीछे चल रहे हैं, दरअसल मजरा यह है कि डरी हुई कांग्रेस की, डरी हुई सरकार के डरे हुए मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, और नगरी निकाय चुनाव के अंदर में सुबड़ा साफ होता देख लगातार कभी वो डॉक्टर रमन सिंह जी के पीछे भागते हैं, कभी हमारे प्रदेश के प्रभारी के पीछे भागते हैं, कभी हमारे प्रदेश के सह प्रभारी के पीछे भागते हैं। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया बिरगांव का, बिरगांव में लगातार चाहे डॉक्टर रमन सिंह के दौरे की बात हो या फिर आदरणीय हमारे सह प्रभारी नितिन नवीन जी के रोड शो का विषय हो, उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बिरगांव जाना पड़ता है। चाहे मैं दुर्ग संभाग की बात करूं, दुर्ग जिले के अंदर में रिसाली की बात करूं या फिर 14 क्षेत्र के अंदर की बात करूं, वहां पर लगातार 2 दिनों तक हमारे प्रभारी का विषय हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का विषय हो, वो जाते हैं, उनके ठीक बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अपनी कुर्सी की शक्ति अपना डर सताता है, वो उसके ठीक बाद वहां पहुंच जाते हैं। अगर मैं 2 दिन पहले की बात करूं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह खैरागढ़ के अंदर में पहुंचते हैं, हमारे सह प्रभारी नितिन नवीन जी वहां पर पहुंचते हैं, उसके ठीक उसी दिन
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को वहां जाना पड़ता है, इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि कांग्रेस इस प्रकार से डरी हुई और सहमी हुई है। और डर के पीछे एक नहीं अनेक कारण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से लेकर के कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंदर में, पंचायत के अंदर में, गांव के अंदर में, गली के अंदर में, नुक्कड़ के अंदर में इन्होंने एक भी विकास का काम नहीं किया, एक नया नारियल फोड़ने का काम इन्होंने नहीं किया है। और तो और जो इन्होंने वादा किया था उस वादे से साफ तौर पर इन्होंने मुकरने का काम किया है, और ना सिर्फ मुकरने का काम किया है बल्कि सीधे तौर पर जो केंद्र की योजना का लाभ, जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई जो योजना थी, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता से 11 लाख आवास छीनने का अगर पाप किसी ने किया है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। और केंद्र की योजना की बात करें, जल योजना की बात करें, 3300 करोड़ की जो योजना थी, घर घर जल पहुंचाने की योजना थी, उस योजना को भी छत्तीसगढ़ की सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के निवास क्षेत्र, उनके वार्ड क्षेत्र, उस क्षेत्र के अंदर में भी जहाँ मुख्यमंत्री निवास करते हैं वहां पर भी पानी की समस्या है। यदि मुख्यमंत्री के आसपास के क्षेत्र में, उनके वार्डों के अंदर में पानी की समस्या है तो पूरे प्रदेश के अंदर में क्या स्थिति होगी, इसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। और मैं कुछ दो तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके इस लोकप्रिय चैनल के अंदर में। जल्दी से गोरपड़े साहब, जल्दी से। जिस प्रकार से ये 3 वर्ष का जश्न मना रहे हैं, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर आपने गरीब जनता से छीनने का काम किया है, क्या कांग्रेस पार्टी उसका जश्न मना रही है क्या? बिजली बिल हाफ नाम पर जो सरचार्ज लगा करके बिजली बिल बढ़ा हुआ घर घर भेजने का काम किया है, उसका क्या कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है क्या? आपने वादा किया था कि आप पट्टा देंगे, पट्टा तो आपने दिया नहीं साहब, बल्कि उसका मूल्य वसूलने का जो पाप आपने किया है। ठीक है गोरमोड़े साहब, ठीक है क्या? आपने दो अन्य मेहमान भी हमारे साथ का वादा किया था, दो कमरे का मकान आपने नहीं दिया। ठीक है, जवाब ले लेंगे सर, जवाब ले लेंगे। आपने एक विकास का काम, गोरमोड़े साहब अन्य मेहमान हमारे साथ है, रुक जाइए। याज्ञवल्क मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। अब तक हमने धर्मों की राजनीति देखी थी, जाति की राजनीति देखी थी, लेकिन अब ये एक दूसरे के गढ़ में घुसकर जो राजनीति की जा रही है उसको निकाय चुनाव में कितना सफल होते हुए या असफल होते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि जनता अपने विवेक का ही काम से इस्तेमाल करती है ये अब तक हम समझ गए, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की राजनीति चरम स्तर पर है। थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, क्या ये प्रश्न मुझसे है आप तक? जी सर, देखिए जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्ट्रेटेजी है वो तो घोषित तौर पे उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर बताया है कि वो आक्रामक होंगे, उन मुद्दों में अगर कोई टॉप तक है तो मुद्दा धर्मांतरण है। डी पुरेंद्रेश्वरी इस बात को कह चुकी है कि धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनके हिसाब से, बकौल डी पुरेंद्रेश्वरी के नजरिए से, उनकी जुबानी, छत्तीसगढ़ धर्मांतरण का सबसे बड़ा शेल्टर और सेंटर है। हालांकि मुख्यमंत्री ने बहुत तीखे स्वरों में इसका खंडन किया था और उन्होंने विधानसभा में इस बात को कहा है कि जो 15 साल की बीजेपी की सरकार थी उस दौर में जितने चर्च बने हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, वो ऐसा कभी नहीं हुआ छत्तीसगढ़ के इतिहास में। दूसरा, उन्होंने उतना ही आक्रामक तेवर से प्रश्न उठाया था कि धर्मांतरण कानून आपने बनाया लेकिन कार्यवाही कितनी की, जरा ये भी बता दें, क्योंकि कानून भले उन्होंने बनाया पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो धर्मांतरण के विषय को लेकर यदि बीजेपी आक्रामक है और बीजेपी यदि उसका मुद्दा बना रही है तो शायद ये देखना ज्यादा बेहतर होगा कि क्या उस मुद्दे का असर हो रहा है, क्या पूरी जो पार्टी की मशीनरी है क्या वो उसमें एकजुट हो गई है। तो अगर बीजेपी के लिहाज से आप इसको देखेंगे तो इसका जवाब हाँ में मिलता है कि हाँ वो सक्रिय हो गए हैं और बहुत तेजी के साथ वो इस मुद्दे को रेस कर रहे हैं। लेकिन जहां तक नगरीय निकाय से इसको जोड़कर देख लें तो ये संयोग कहा जा सकता है, क्योंकि ये विषय बीरगांव में नजर आता है जो बिल्कुल राजधानी से लगा हुआ है, जहां पर ये आरोप बीजेपी ने लगाया। दो महत्वपूर्ण बात बीजेपी की तरफ से आई और उसमें से एक में अभी कुछ ही देर पहले फैसला राज्य निर्वाचन ने किया है जो बहुत दिलचस्प भी है। पहला आरोप उन्होंने लगा दिया था कि एक मकान में 300 से ऊपर लोग रह रहे हैं, हालांकि राज्य निर्वाचन की ओर से तो नहीं मगर जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन की ओर से बात आई कि हमें इस आरोप में कोई सत्यता नहीं दिखती। लेकिन दूसरी जो मांग बीजेपी ने रखी थी वो जो आपका प्रश्न है उसको बिल्कुल टच करता है ये मुद्दा। बीजेपी की तरफ से ये मांग आई कि बीर गांव में यदि बुरका नशीली महिलाएं जाती हैं तो उनकी जांच की जाए, बुरके के साथ प्रवेश नहीं होना चाहिए। जो निर्वाचन आयोग की कंडिकाएं हैं, जो उसकी किताब है, वो स्पष्ट करती है कि मतदान करते समय कोई भी चेहरा नहीं ढका जाएगा,
पहले उसकी पहचान होगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले रायपुर जिला निर्वाचन ने एक व्यवस्था दी है और मुझे लगता है कि शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है, 92 मतदान केंद्र है बीरगांव के नगर पालिका निगम के चुनाव के लिए, उन 92 में हर एक में एक सहायता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, उन 92 में महिलाएं बैठेंगी। हाँ। यदि किसी महिला को लेकर आपत्ति होती है तो वो महिला अधिकारी उसकी जांच करेगी। हाँ। तो ये जो आपका प्रश्न था कि धर्म का मुद्दा है, जो मसला उठ रहा है, उस मसले को किस तरीके से बीजेपी कुशलता से प्ले कर रही है कि प्रशासन चाहे मत चाहे मगर उसमें वो शामिल हो रहा है, इसको इस रूप में आप देख सकते हैं। बिल्कुल, ये जो एक दूसरे के घर में घुसकर राजनीति करने की जो पूरी परंपरा यहाँ से शुरू हुई है, वो भी अपने आप में आने वाले समय में किस तरीके से रुख को, किस तरीके से हवा के रुख को मोड़ेगी, वो देखना दिलचस्प होगा। सुरेंद्र वर्मा जी, कई बड़े आरोप गोरमोड़े साहब ने आपके ऊपर लगाए, जवाब दीजिए सर। रंजना जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गई है, यही कारण है कि अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जिस पट्टे की ये बात कर रहे हैं, उमेश जी अपने आंकड़े दुरुस्त कर ले, छत्तीसगढ़ सरकार ने भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में वर्तमान 3 वर्षों में 4,38,000 से अधिक पट्टे दिए हैं। जिस बात का ये आरोप लगा रहे हैं आवास, प्रधानमंत्री आवास का, तो ये मोदी सरकार के वादा खिलाफी का जीता जागता प्रमाण है। अभी इस वित्तीय वर्ष को खत्म होने में 3 महीने से, 3.5 महीने से अधिक का वक्त है, 31 मार्च 2021 को ये साल खत्म होगा। इतनी क्या हड़बड़ी है या क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से और छत्तीसगढ़ के गरीबों से किस बात का बदला लेना चाहती है कि 3.5 महीना पहले भी उस राशि को ये लेस करने पर उतारू हो गई है, जो प्रधानमंत्री आवास में पहले राज्य और केंद्र का अंश 75 और 25 के रेशियो में होता था, उसको 60-40 में कर दिया गया। लगातार मोदी सरकार का जो रवैया है वो राज्यों के आर्थिक हितों के खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के खिलाफ मोदी सरकार के सामने जो है इनकी बोलती बंद हो जाती है। जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं, याद करें विगत दिनों जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, 27 जिलों में से 20 में कांग्रेस को सफलता मिली, जो 10 निगमों में चुनाव हुए थे, 10 में 10 कांग्रेस के वहां पर। लेकिन सुरेंद्र जी बहुत अच्छा होता कि जो तमाम चीजें आप कह रहे हैं, जो तमाम योजनाएं, बहुत अच्छा होता जो तमाम योजनाएं जिनको आप गिरवा रहे हैं इस वक्त, सुरेंद्र जी बहुत अच्छा होता कि तमाम योजनाएं जो इस वक्त आप गिरवा रहे हैं, वीरवार में जब पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन्हीं पर बात की जाती, लेकिन वो वहां पहुंचते और कहते हैं कि कांग्रेस को अगर बहुमत दिया गया तो पिछड़ा वर्ग से महापौर बनाएंगे। क्यों नहीं रंजना जी, स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटना तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, इसका बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण आज यहाँ के नेताओं को दरकिनार करके वार्ड के चुनाव में इनके राष्ट्रीय सह प्रभारी नितिन नवीन जी गली गली घूम रहे हैं, उनको यहाँ के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। सही बात है, लेकिन सर योग्यता के आधार पर सब होना चाहिए, यहाँ के नेता वहाँ के नेता क्या है? जो 52% ओबीसी, ठीक है उनके हक का गला घोट कर ये प्रताप गढ़िया रमन सिंह जी को बताया गया, ये इनके आउटसोर्सिंग का प्रमाण है। इस्लामी मुड़े पर रंजना जी कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत आपत्तिजनक है, ये किस प्रकार की भाषा है, ये किस प्रकार का मतलब है, जिस प्रकार से ठीक है गोरमोड़े साहब, सुरेंद्र वर्मा जी रुक जाइए, ऐसे ओवरलैप आप करेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि प्रचार प्रसार थम गया है, हमारे माध्यम से कम कुछ 4-5 बिंदु जो आप बोल पाए वो भी जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उम्मीद आपसे कि आप ओवरलैप ना कीजिए। बड़ा आरोप, ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी,
ठीक है, एक एक करके गोरपड़े साहब एक बार रुक जाइए, सुरेंद्र वर्मा जी बोलिए, एक मिनट में जल्दी से सुरेंद्र वर्मा जी जल्दी से बोलिए, गोरपड़े साहब आपका रुक करूंगी, फिर बीच मत बोलिएगा आप सुरेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को प्रदेश की जनता ने देखा है, डीआई ने किस प्रकार से आरोप लगाया कि जो पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है उसको ये टिकट बेचते हैं, एक महिला का आरोप, उसी प्रकार से प्रत्येक नगरी निकाय में तीन तीन चार चार भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी हैं, उसका कारण यही है कि टिकट बेचना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, स्थानीय कार्यकर्ता और नेताओं के हक का गला घोटकर इस प्रकार से आउटसोर्सिंग करना इनकी संस्कृति नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, आप मत बोलिएगा बीच में, गोरपड़े साहब बोलिए। देखिए, टिकट बेचने का पैसा किसका है यह कांग्रेस ने खुद स्पष्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के तो जिला स्तर के जो पदाधिकारी है उनकी राय शुमारी से टिकट का वितरण होता है, लेकिन एक एक पंचायत के अंदर में कांग्रेस के प्रदेश स्तर के प्रभारी बैठ करके राजधानी के अंदर में सूची जारी करते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है। सुरेंद्र वर्मा जी को तो बताना चाहिए कि कौन कौन से पंचायत कौन कौन से टिकट के लिए कितना कितना पेटी आपने लिया है यहाँ प्रदेश के पदाधिकारियों ने, और किस प्रकार से टिकट आपने बेचा है यह प्रदेश की जनता के सामने आपको बताना चाहिए। ठीक है सर, दोनों रुक जाइए, बस बस बस, मिश्रा जी ठीक है, मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, जनता की नब्ज को देखते और समझते भी, क्या होता है पर्दा किसी तरह से चुप रहा है। गोरबोड़े साहब रुक जाइए, गोरबोड़े साहब आपको बोलना था, अन्य मेहमान भी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी जी प्रश्न को दोहराइए, ये जो वरिष्ठ पत्रकार सर आप है, जनता की नब्ज को देखते और समझते हैं, क्या लग रहा है कि पर्दा किस तौर पर भारी हो सकता है? देखिए, ये एकदम से इसको बता पाना बहुत मुश्किल है। जो नगरीय निकाय के चुनाव है, पालिका के, निगम के, ये बहुत ही स्थानीय स्तर पर स्थानीय मुद्दों पे होते हैं। पार्षद का जो चुनाव लड़ रहा है वो कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, पड़ोसी से उसके संबंध कैसे हैं और घर के वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये बता पाने में बेचारा वो खुद नाकाबिल होता है। तो जब ये मेयर दलगत आधार पे मेयर का चुनाव होता था तो एक बार बहुत आसानी होती थी कि कैसे इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से निर्वाचन के नियमों और अनुशासन का ध्यान रखते हुए मगर जो बातें सत्ता पक्ष की ओर से मंच पर कही जा रही हैं, बिल्कुल जो तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं उसका कितना असर जनता के डिसीजन या फिर उनके निर्णय पर देखने को मिलेगा, बहुत देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 20 दिसंबर का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, उस दिन मतगणना यहाँ पर, उस दिन मतदान यहाँ पर किया जाएगा, और जिस तरीके से तमाम वादे और दावे इन अलग अलग पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है उसकी तस्वीर 20 दिसंबर के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।